दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैंडविच बनाते हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए, लेकिन हम थोड़ा सा एक्साइटिंग सैंडविच बनाएंगे। हम आलू चीज़ मसाला सैंडविच बनाएंगे, जो बच्चों का फेवरेट होता है, और पूरा टिफ़िन चट कर कर वापस लाते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी रेसिपीज और उसका तरीका डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। मेरी वेबसाइट का नाम है www.cookingwithbenazir.com। वहाँ पर आप मेरी रेसिपीज़ को आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं और फ्री में देख सकते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लेंगे। हम इसमें एक टेबल स्पून चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन डाल देंगे। फ्लेम को लो रखा है हमने। 10 से 20 सेकेंड हम अदरक और लहसुन को सॉटे करेंगे। हम अब इसमें चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। हमने छोटा आधा प्याज यूज़ किया है, बारीक चॉप करके। साथ में हम इसमें एक हरी मिर्ची ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल बारीक चॉप करके। अगर आपके बच्चे तीखा नहीं खाते तो आप इसे ना ऐड करें। प्याज नरम हो चुकी है, बस हमें प्याज को नरम करना है, इसे ब्राउन नहीं करना। हम इसमें दो आलू ऐड कर रहे हैं जिसे हमने बॉईल करके मैश कर लिया है। दो मीडियम साइज़ के आलू यूज़ किए हैं हमने। साथ में हम आधा कप मटर भी ऐड करेंगे, मटर को भी हमने बॉईल कर लिया है। थोड़ा नमक, चाट मसाला एक टीस्पून भरकर, कुछ बूंदे नींबू का रस। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। फ्लेम को हमें हाई नहीं करना है, लो ही रखना है। इसे लो फ्लेम पर हम इस तरह से मैश करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। हम इस पर थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। हम फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ठंडा होने देंगे। इसमें आलू और मटर ऐड करने के बाद हमने बस इसे 3 से 4 मिनट पकाया होगा, ज़्यादा नहीं। हम अब सैंडविचेस बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने ब्रेड ले लिया है, इस पर हम मेयोनीज लगा रहे हैं। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी ब्रेड आप पसंद करते हैं वो ब्रेड यूज़ करें। हम यहाँ पर मेयोनीज लगा रहे हैं क्योंकि मेयोनीज लगाने से ये सैंडविच का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। हम अब इस पर हरी चटनी लगा लेंगे। हमने सारी ब्रेड्स पर मेयोनीज और चटनी लगा ली है। हम अब इस पर आलू मसाला लगा लेंगे। अगर आपको लगे कि जो आलू मसाला है वो ज़्यादा गाढ़ा है या आप इसे अच्छी तरह लगा नहीं पा रहे हैं, आप इसमें कुछ बूंदे पानी की ऐड कर लें और फिर इसे स्प्रेड करें, तो ये आसानी से स्प्रेड हो जाएगा। हम अब इस पर टमेटोज रख रहे हैं। पतली पतली हमने टमेटोज की स्लाइसिस कर ली है। अगर आपके बच्चे कोई और सब्जी खाते हैं जैसे ककड़ी प्याज, आप इसे ऐड कर सकते हैं आपकी मर्जी से। हम अब इस पर चीज़ की स्लाइस बिछा रहे हैं। आप चाहें तो प्रोसेस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं ग्रेट करके। हम इसे अब टोस्ट कर लेंगे। एक पैन में हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। घी को इस तरह से हम स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। घी जब गर्म हो जाएगा हम इस पर हमारे सैंडविचेस रख देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। हम इस तरह से हल्के हाथों से सैंडविच को प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये सिक जाए। आप चाहें तो इन्हें ग्रिलर में ग्रिल भी कर सकते हैं। लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं एक साइड पर ब्रेड को पकते। हम इसकी दूसरी साइड पर भी थोड़ा थोड़ा घी या बटर लगा लेंगे। ध्यान से हम इन्हें पलटा देंगे। बस ऐसा ही गोल्डन कलर चाहिए हमें सैंडविच का। दूसरी साइड पर भी हमने लो फ्लेम पर इसे पका लिया है।
सैंडविचेस बिल्कुल तैयार हैं, हम इन्हें टिफिन बॉक्स में भर लेते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।